ताजमहल पर पर्यटकों को बंदरों के आतंक से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। 12 दिन में पांचवी बार ताजमहल देखने आए विदेशी पर्यटक पर बंदरों ने हमला किया। विदेशी पर्यटक को प्रशासनिक मदद नहीं मिली तो उन्हें ताजमहल दिखाने जा रहे गाइड ने मानवता दिखाते हुए पर्यटक का इलाज करवाया है। ताजमहल पर बंदरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ दिनों में बंदरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नवागत जिलाधिकारी नवनीत चहल ने मंगलवार को बंदरों को पकड़ने के लिए रैपिड प्लान बनाए जाने की घोषणा की है। बुधवार को ताजमहल देखने आई स्पेन की महिला पर्यटक क्रिस्टीना जब टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर पर पहुंची तो उसी समय उसके ऊपर 3 से 4 बंदरों के झुंड ने हमला बोल दिया। बंदरों ने क्रिस्टीना की जांघ पर काट लिया। गाइड आरिफ ने बताया कि हादसे के बाद क्रिस्टीना काफी दहशत में आ गई थी। प्रशासन की तरफ से वहां कोई इलाज का इंतजाम नहीं था, इसके चलते वो खुद क्रिस्टीना को लेकर जिला अस्पताल आया। यहां उसे एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया और घाव पर पट्टी की गई। आरिफ ने बताया कि करीब 2 घंटे बाद क्रिस्टीना नॉर्मल हो पाई है। फिलहाल अभी भी वो दोबारा ताजमहल घूमने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। ऐसा हुआ, ये टिकट लेने के लिए गई, वहाँ टिकट लेने के जैसे अंदर घुसे हम लोग टिकट काउंटर पे, तो वहाँ काफ़ी सारे बंदरों ने इनको घेर लिया। तो उन्होंने बंदरों ने 2-3 बंदरों ने अनबैठक किया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चोट आई इनको आई है। और ये हमेशा अक्सर होता है और काफ़ी दिन से हम कंटिन्यू भी देख रहे हैं इस चीज़। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कुछ करना चाहिए कि बंदर और कुत्तों से उनके लिए रोकथाम लगानी चाहिए वहाँ पे। स्पेन की पर्यटक क्रिस्टीना को ताजमहल दिखाने के लिए जो गाइड आया था वो ना ही लाइसेंसी गाइड है और ना ही स्टे गाइड में उसकी गिनती है। कुछ माह पहले पुलिस ने उसे एक अन्य युवक को ताजमहल पर लपकागिरी करते हुए गिरफ्तार किया था। इसका प्रेस नोट भी रिलीज किया गया था। हैरानी की बात ये है कि एक तरफ पुरातत्व विभाग, थाना ताजगंज, ताज सुरक्षा और पर्यटन पुलिस गाइडों और फोटोग्राफरों पर लगाम कस रहे हैं। लपकों का ताजमहल के 300 मीटर के अंदर प्रवेश तक मना होने की बात की जा रही है। वहाँ कोई ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति विदेशी पर्यटक का गाइड बनकर कैसे काम कर रहा है। मामले में पर्यटन और ताज सुरक्षा पुलिस जानकारी न होने की बात और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने घटना ताजमहल परिसर के बाहर होने की बात कह रहे हैं। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।